पिछले कुछ दिनों में और खास करके लॉकडाउन के पीरियड में लोगों ने 6-7 मंजिलों की इमारतें बना दी। इलीगल कंस्ट्रक्शन में मुमरा में रोकूंगा, मैं खुद आके उस बिल्डिंग को तोड़ने लगा हूँ। ब्रा टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहस सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा में अवैध निर्माण पर अब आवाज़ उठने लगी है, खासकर लॉकडाउन के दरमियान में मुंब्रा में अवैध बिल्डिंग धड़ल्ले से बनी है। खुद गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने कहा है कि दोबारा लकी कंपाउंड जैसा हादसा नहीं होने दूंगा। गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने कल यानी शनिवार को एक वीडियो जारी किया। वीडियो शनिवार को जारी हुई और मनपा ने रविवार यानी छुट्टी के दिन ही इमारत पर हथौड़ा चला दिया। मुंब्रा के चांद नगर में एक 3 मंजिला इमारत पर मनपा अतिक्रमण विभाग के जितेंद्र साबले और बालू पीचड़ ने कार्रवाई की। गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने अवैध निर्माण को लेकर क्या कहा था, सुनिए। मैं कोई खास वजह से ये वीडियो डाल रहा हूं, जो मालूमात मिल रही है उससे ये ऐसा पता चल रहा है कि मुंब्रा में इलीगल जीपी बिल्डिंग फिर से शुरू हो गई है। लकी कंपाउंड का हादसा लोग भूलने जा रहे हैं, जहां पे 80-90 लोग शहीद हुए थे। पिछले 6 सालों में एक बिल्डिंग नहीं बनी थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में और खास करके लॉकडाउन के पीरियड में लोगों ने 6-7 मंजिलों की इमारतें बना दी है। फिर से लकी कंपाउंड मुंब्रा में होगा और मैं होने नहीं दूंगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं लोगों से कह रहा हूं कि आपके घर के सामने आजू में बाजू में कहीं भी अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन चालू है तो आप मुझे उसका फोटो भेज दीजिए, मैं खुद आके उस बिल्डिंग को तोड़ने लगाऊंगा। मुझे मालूमात है कि हमारे कुछ ऑफिसर भी इसमें शामिल है। ये बहुत गलत तरगंदी बात है। लोगों की जान लेने के लिए ऑफिसर्स को रखा नहीं गया है। सिर्फ पैसा कमाने के लिए अपने उसूलों को मत बेचो। इलीगल कंस्ट्रक्शन में मुंब्रा में रोकूंगा। कोई झोपड़पट्टी वाला अगर ग्राउंड प्लस 1 बना देता है तो उसके लिए मैं कभी ना नहीं बोलूंगा, लेकिन 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में 6 और 7 मंजिल की इमारतें बनाने वाले L&T भी नहीं है। दुनिया की सबसे अच्छी कंस्ट्रक्शन कंपनी भी इतनी फास्ट, इतने जल्दी से बांधकाम नहीं करती। हालांकि अब मनपा अपना हथौड़ा उठा ली है और चांद नगर में 3 मंजिला इमारत पर आज कार्रवाई की है। 6 से 7 रूम तोड़ दिया है और गैस कटर की मदद से स्लैब भी काट दिए गए हैं। ऊपर 4th मंजिले के निर्माण के लिए जो सरिया थी उसे भी गैस कटर की मदद से काट दिया गया है। वही अब ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने अवैध निर्माण को लेकर अब खुद एक्शन लिया है तो मुंब्रा में जो अवैध इमारतें बनकर तैयार हुई हैं उन पर अब हथौड़ा चलना तय माना जा रहा है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।